आपको और हमारे जो मित्र हैं समीर साहब और जो प्रोड्यूसर समीर साहब और सलामत खान साहब ने ये जो फिल्म सोची है जिसका नाम है रिक इश्क के रंग, वो मुझे प्रोमो से ही पता चल रहा है कि ये बहुत डिफरेंट फिल्म होने वाली है। एक हॉरर जॉनर है और इसमें आपको वाकई अलग अलग रंग देखने मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की खासियत है रंग बिरंगी हिंदुस्तान है, और रंग बिरंगी हिंदुस्तान में रंग बिरंगी लोग हैं, और रंग बिरंगी लोगों को रंग बिरंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो फिल्म का नाम है इश्क के रंग। तो मुझे लगता है कि सब लोग देखेंगे इस फिल्म को परिवार के संग। वाकई बहुत दुख की बात है क्योंकि मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ एक फिल्म देखने गया था कुर्बानी, उन्होंने फिल्म दिखाई थी मुझे और उसका गाना मुझे आज अनायस याद आ गया। मेरे पिताजी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे तो वो हमेशा विनोद खन्ना साहब की कोई भी फिल्म होती थी तो वो मुझे लेके जाते देखने आने के लिए, और तब से ही मैं समझता था यार इतना हैंडसम कलाकार, इतना हैंडसम हीरो, वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ऐसे सभी लोग मुझे लगता है कि सभी उनके फ़ैन हैं। आज जो चले गए तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान है। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा फेवरेट गाना है उनका भी स्टेज का गाता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। उन पे हर किस्म के गाने फिल्माए गए थे, जैसे कहीं मस्ती हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, हो हो बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ये सब गाने उनको फिल्माए गए थे। फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, दिल में हो तुम आँखों में तुम, हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो विनोद खन्ना साहब के जाने से बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके काम के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। विनोद खन्ना साहब आप हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। लव यू, लव यू सर। सबसे पहले तो मैं सलामत खान और समीर हुसैन को बधाई देना चाहूँगा कि टाइटल वाकई इश्क के रंग, टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मतलब ऐसा कुछ कह जाता है कि जहाँ इश्क भी है और हॉरर भी है और लव स्टोरी भी है, और मतलब इन सब का अगर रंग एक साथ होगा तो कार्यक्रम पूरा रंगारंग होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म रंगों से भरी होगी, लबालब होगी, और सिर्फ होली का रंग नहीं बल्कि इसमें सारे त्यौहार, सारे पर्व के रंग आपको देखने को मिलेंगे, और विशेष तौर पर सारे एक्टर के रंग। इसमें बहुत से एक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम मी, काफ़ी एक्टर्स लोगों के रंग देखने मिलेंगे, और प्रदीप एस शर्मा, इनका एक मुख्तलिफ डायरेक्शन है, और हॉरर में लव स्टोरी कॉम्बिनेशन बहुत कम हमें मिलता है। जनरली हम लोग अमूमन हॉरर ही सिर्फ देखते चले आ रहे हैं, लेकिन पहली बार हमें कुछ ऐसी चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं जहाँ पर हॉरर भी है और लव स्टोरी है भी। तो ऐसी अद्भुत लव कॉम्बिनेशन, हॉरर कॉम्बिनेशन कभी देखने को मिलती नहीं है, तो ये वाकई एक नायाब तोहफा है हमारे लिए। कल एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी हार गए, मैं थोड़ा दुखी था, मैं बहुत दुखी था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। उनको पूछा भी कि हारने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने कविता के अंदाज़ में, जो कुमार विश्वास की कविता है उस अंदाज में कहा। मैंने कहा सर बताइए क्या हुआ, तो सारे लोग तो वोटिंग गड़बड़ी बता रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा मुझे कोई साया ना कहता है, कोई बवाल समझता है, एवीएम की गड़बड़ी को ये केजरीवाल समझता है, चाहे कांग्रेस
कांग्रेस हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी, ध्यान देने वाली बात है। हाँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी, जिसे भी वोट करोगे तुम बीजेपी को पहुंचता है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच। सर आप क्या देखते जी? मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं इन फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर प्रदीप जी हैं और एक्टर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील भाई की तरफ से शुभकामनाएं, राज भाई की तरफ से शुभकामनाएं। पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो, ताकि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो, डायरेक्टर को भी और एक्टर्स को भी फायदा हो, आगे और फिल्में बनाएं प्रोड्यूसर, ताकि लोगों को भी काम। मैंने सर मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा कि सर आप मुझे कौन सा रोल दोगे, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मेन विलन का रोल दूंगा। मैं खुश हो गया। मैंने राजकुमार का कहा, मुबारक यार, इस फिल्म में, इश्क के रंग फिल्म में मुझे मेन विलन का रोल दे रहे। तो बोले, ज़्यादा खुश मत हो, हॉरर फिल्म में मेन विलन भूत होता है। मैं कहीं से आपको भूत लगता हूँ क्या? ये फिल्म में रोमांटिक सॉन्ग्स है इसमें। Yes, ये मूवी का म्यूजिक काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसमें रोमांटिक सॉन्ग्स इसमें है, फिर सूफी सॉन्ग भी है, और एक जावेद भाई को लेकर हम सूफी सॉन्ग कर रहे हैं, फिर राज भाई भी इसमें गाना गा रहे हैं, तो ये रोमांटिक सॉन्ग है, सूफी मिक्स है, फिर पार्टी सॉन्ग अपन कर रहे हैं उसमें, और पलक मुछाल जी से भी एक सॉन्ग कर पा रहा हूँ उसमें, और अपना शाहिद माइलेज जी भी है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अच्छे सिंगर के साथ काम किया जाए और अच्छा गाना बने, और म्यूज़िक तो पार्ट, गाने का तो वो हार्ट है, मतलब पूरा पिक्चर में म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है, और हॉरर मूवी में तो मेरे को लगता है म्यूज़िक के लिए ज़्यादा सुनते हैं लोग, और जो एक टेस्ट है, मतलब प्रोड्यूसर सर से मिला मैं, प्रदीप जी से और सलामत सर प्रोड्यूसर अपने, उसके बाद समीर जी, बहुत अच्छे नेचर है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, और बस इंशाल्लाह अच्छा म्यूज़िक बने और नाम कमाए, खूब यही चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरा नाम है अर्श मोहम्मद और मैं एक टाइटल ट्रैक गा रहा हूँ मूवी का, इश्क के रंग, तो वही आपके सामने दो लाइन पेश करना चाहूँगा। मेरे दिल को है आशिकी बस तुझी से, है तुझ से है राहत जिंदगी बस तुझी से, रात दिन तू ही ख्वाबों में बस तू ही है तुझ से मोहब्बत आशिकी बस तुझी से, एक बार मेरे जिया तू इश्क के रंग है यार, मैं हूँ मलंग तेरे प्यार में, तू इश्क के रंग है यार, मैं हूँ मलंग तेरे प्यार में, तू इश्क के रंग है यार, मैं हूँ मलंग तेरे प्यार में, तू इश्क के रंग है यार, मैं हूँ मलंग तेरे प्यार में, तू इश्क के रंग है यार, मैं हूँ मलंग तेरे प्यार में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस, और फिर मिथुन भाई के साथ काम करने में तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। उन्होंने सिचुएशन बता दिया था, मुझे एक सूफी सॉन्ग चाहिए, तो मैंने लिखा, हालांकि अपना काम ही है, तो उन्हें जैसा बताया अकॉर्डिंग टू हिम मैंने उसको लिखा। मैं बस बहुत अच्छा लगा। एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ, रघु मेरा एक ऐसा लिरिक्स राइटर है कि एक दोस्त तो पहले है और बहुत अच्छा इंसान है, मैं आज तक एक वर्ड भी इसका कट नहीं करता हूँ, मुझे जैसा देता है मुझे कट भी नहीं करना पड़ता है रघु, बस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, मतलब बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बस आप लोग देख ही रहे साहब। एंड इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स एक्चुअली, आई हैव बीन वर्किंग, तो अच्छी टीम है हम लोग, इट्स अ टीम वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू।